अस्सलामुअलैकुम कैफे आलिक। तो आप सभी को मालूम है कि रमज़ान शुरू होने वाला है कुछ ही दिन में, यानी कि 2 दिन बाकी है रमज़ान शुरू होने। तो आप सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग क्या बनाना होगा, व्लॉग नहीं बनाना, तो ये छोटा सा क्लिप है यूट्यूब पर मेरे, तो जाइए जाके देखिए और रमज़ान की फुल तैयारी करिए। और खुसूसन पहले रमज़ान से दुआ में याद करोगे, ये कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाओगी, कोरोना से बचने के लिए दुआ करो। और ख़ास तौर अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आजू बाजू वाले जाके आजू बाजू वाले बात जितने गरीब रहते हैं जो कि इफ्तारी नहीं ला सकते, तो उनके घर भी इफ्तारी हो जाए। और दूसरी बात ये है कि रोज़े में एहतराम करो, गाली गलौज मत करो, जितना हो सका उतना इबादत करो, इबादत फुल करो, ये कोरोना बीमारी खत्म हो जाए। बस मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करूँगा और आप लोग भी खुशी से दुआ करिए कोरोना के लिए। इंशाल्लाह मैं रमज़ान में आकर वीडियोस तो नहीं बनाऊंगा, ब्लॉग्स बनाना थोड़े बहुत ही ब्लॉग बनाऊंगा। आप लोग देखिए वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, दबा के मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं भी रोजे रखूँगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊँगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन, मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है। मनसबा रमजाना ईमान व इहतिसाबा, मनसबा रमजाना ईमान व इहतिसाबा, غفر له ما تقدم من ذنبه يا الله मिटते गुनाह उसके पिछले सारे, मिटते गुनाह उसके पिछले सारे, ये परवाना या रब मेरे लिए भी है। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। ज़िक्र तिलावत से खुदाया क़ुर्ब तेरा पाऊं, ज़ोद सखावत से खुदाया लुत्फ तेरा पाऊं, ज़िक्र तिलावत से याद रखो कि हमारे लिए भी दुआएं करो। इंशाल्लाह आप सबके लिए मैं भी दुआ करूँगा।